इंडिया की नंबर 1 ईवी कंपनी की सर्विस डेफिनेटली नंबर 1 नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक ये मेरी खुद की है, इसमें सेंटर स्टैंड ही नहीं है, सिर्फ साइड स्टैंड है। इसी के कारण बहुतों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। लेट इट बी फॉर पार्किंग या टायर पंचर होने के बाद उसे सही करना। तो फाइनली जनवरी में लॉन्च किया ओला ने फुट रेस्ट और सेंटर स्टैंड जो हम खरीद सकते हैं उनकी वेबसाइट से, और वही किया मैंने। 1000 रुपए का पड़ा, मैंने सिर्फ सेंटर स्टैंड लिया, मुझे फुट रेस्ट की जरूरत नहीं थी। तो 10 जनवरी को मैंने ऑर्डर प्लेस किया और पे किया। 1 महीने से ज्यादा हो गया, कुछ अता पता नहीं है। ऑनेस्टली मुझे कोई ऐसा डर नहीं है कि मिलेगा या नहीं, पता है 100% मिल जाएगा। बस दुख ये लगता है कि काफी स्लो डिलीवरीज हैं। यही चीज मैंने फेस करी थी स्कूटर की डिलीवरी के टाइम, जो आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हालांकि जब स्कूटर डिलीवर हो जाता है तो सारी नाराजगी दूर हो जाती है, बिकॉज इट्स दैट गुड ऑफ अ स्कूटर, बट स्टिल वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम नंबर 1 ईवी कंपनी ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत जल्द ओला के इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ रहे हैं और उसके बाद कार्स भी। अगर ओला को बाइक्स एंड कार्स की मार्केट को भी स्कूटर जैसे रूल करना है तो ये चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, दैट्स व्हाट ईवी इंडिया बिलीव्स इन। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले उसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। ईवी गुरु से बात करके विजिट evindia.online नाउ।